नमस्कार, आज हम बात करेंगे एनडीएस डाइट को सुपर एनडीएस डाइट कैसे बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि बीवी चौहान साहब ने पूरे दिन में हमें कच्चा खाने के लिए बोला है और रात को एक टाइम पे पका हुआ भोजन लेना हमें अलाउड है। लेकिन जब आप पूरे दिन कच्चा खाते हैं तो आप एनडीएस डाइट का 100% लाभ उठाते हैं। वहीं पे जब आप रात्रि भोजन करते हैं उसमें हमें गेहूं का आटा, चावल, इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जब आप ये चीज़ें खाते हैं तो आप एनडीएस डाइट की एफिशिएंसी को 30-40% कम कर लेते हैं, यानी कि पूरा दिन जो है आपने मेहनत किया और फिर 30-40% उस मेहनत को डाउन कर दिया। हम इस मेहनत को 100% जो दिन में आपने मेहनत किया 100% में और एडिशन कर सकते हैं हम। वो एडिशन कैसे होगा? ठीक है, हमें जो रात्रि भोजन में जो कुक्ड फूड खाने की आदत है वो भी मेंटेन रहेगी और 100+ जो है हम इसमें जो है प्रॉफिट अपने सेहत की रिगार्डिंग वो गेन करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए, अपना अनाज बदल के, ठीक है, 5 सुपर फूड जिन्हें मिलेट्स बोला जाता है, उन मिलेट्स को हम अपने डाइट में शामिल करके एनडीएस डाइट को सुपर एनडीएस डाइट बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं उन 5 सुपर ग्रेन्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है ये लिटिल मिलेट है। इसमें जो फाइबर है 7.5 ग्राम फाइबर है, ठीक है, और इसे हिंदी में कुटकी बोला जाता है। नेक्स्ट है फॉक्सटेल मिलेट, इसमें भी 6.5 ग्राम फाइबर होता है। और नेक्स्ट है कोडो मिलेट, इसमें 5 ग्राम फाइबर होता है, 5.20। और नेक्स्ट है बार्नयार्ड मिलेट, इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, दैट इज़ 13.6, 13.5 ग्राम। और अगला है ब्राउन टॉप मिलेट, इसमें है 12.5 ग्राम फाइबर। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। फाइबर तो है ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, ठीक है। इसके अलावा ये कभी भी एसिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप जब भी कोई भी अनाज दूसरा खाएंगे तो वो बॉडी में एसिड ज़रूर बनाता है, ये लेकिन एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा फाइबर ही अच्छी होने की वजह से जो है, जैसे कई लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होंगी तो उनका तो चुटकियों में हल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ करता है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आज से ये वाला अनाज अगर आप खाना शुरू करेंगे तो आज से ही आपकी डायबिटीज़ की समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। हालांकि एनडीएस डाइट से तो वो 100% सॉल्व होना ही है, लेकिन रात में जो हम भोजन ले रहे हैं कुक्ड वाला, उसमें हम थोड़ी सी गलती कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इसे शामिल करेंगे तो उसकी जो शक्ति है उसको हम और बढ़ा पाएंगे। इन सभी मिलेट्स को मैं खुद भी खाता हूँ, ठीक है। मैं, कई लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि आप बेचते हैं क्या, तो मैं बेचता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद पीछे काफ़ी प्रॉब्लम्स में रह चुका हूँ। सो उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें की है और सो मिलेट्स का भी खा के ही मुझे जो है इसके गुणों के बारे में पता चला है। बाकी डॉक्टर खादर वली सर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम इनको शामिल करके जो अपनी एनडीएस डाइट की जो शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक बात का ध्यान दें, इन्हें 8 घंटे तक भिगोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। तो आप भिगोएंगे नहीं तो फिर ये अच्छे से जो है आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा खाने में भी बहुत स्वाद है। कई लोग जो है, एक अमेरिकन मिलेट है, वहाँ के लोग तो इसे खाते ही नहीं हैं, वो जानवरों को खिला देते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद।